तो देश के सबसे पसंदीदा बहस के शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने तमाम पैनलिस्ट, अपने तमाम दर्शकों और अपने तमाम चाहने वालों का हार्दिक वंदन करता हूं, नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं देश की बहस इकलौता बहस का शो है जो अपने दर्शकों की राय के आधार पर चलता है। हम न केवल इस शो में देश के कोने कोने से दर्शकों को जोड़ते हैं बल्कि उनकी राय के आधार पर ही बहस को आगे बढ़ाते हैं और बड़े बड़े राजनीतिक दलों को ये बताते हैं कि आपके मतदाता, इस देश की आम जनता जिसके सेवक होने का आप दावा करते हैं, जिसके सेवक होने की बात हमारा प्रजातंत्र भी कहता है कि आपको चुनाव जीतकर उनकी सेवा करनी पड़ेगी, उनकी राय को उनको डायरेक्ट सुनने का मौका मिलता है। साथ ही साथ हम आपसे एक सवाल भी पूछते हैं और सवाल के आधार पर हम ये बताते हैं कि आज की बहस का विषय क्या होगा। वैक्सीन पर नए सिरे से राजनीति कैसे, जी हाँ, भ्रम की राजनीति, बहुत भ्रम की राजनीति फैलाई गई और उसका असर ये देखने को मिला कि ग्रामीण इलाकों में कई लोग टीके नहीं लगवा रहे हैं। मुस्लिम समाज में इस बात का भ्रम है कि कहीं ये नपुंसकता ना दे दे, वहीं गांव में जो दूसरे समाज के लोग हैं, जो गरीब हैं, कम पढ़े लिखे हैं, अशिक्षित हैं, उसमें हो हिंदू हों या किसी और धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनमें भी टीके को लेकर डर है, भ्रम है, अफवाह है। सवाल है, ऐसा क्यों हुआ? क्या राजनेताओं ने टीके पर गलत बात की? क्या राजनेताओं ने कुछ ऐसे बयान दिए और समाज के कुछ जिम्मेदार लोगों ने ऐसे बयान दिए जिनके चलते भ्रम की स्थिति बनी? आज इसी का पोस्टमार्टम करेंगे, इसी पर बड़ी बहस करेंगे, इसी पर विश्लेषण करेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं टीके को लेकर क्या क्या बयान दिए गए और किस तरह भ्रम की राजनीति फैलाई गई। उसके बाद हमारे साथ एक बहुत बड़ा पैनल होगा जिससे हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। आइए सबसे पहले देख लेते हैं वैक्सीनेशन पर भ्रम की राजनीति क्या थी। दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन अभियान, लेकिन भ्रम और अशिक्षा के कारण वैक्सीन न लगवाने की तरह तरह की बहानेबाजी वैक्सीन अभियान को चुनौती दे रही है। वैक्सीन को लेकर भ्रम की स्थिति कुछ यूं है कि लोग तरह तरह के बहाने बना रहे हैं। यही हाल यूपी के कन्नौज के एक गांव वीरपुर में देखने को मिला, जहां लोग किसी भी कीमत पर वैक्सीन नहीं लगाने के लिए बहाना बना रहे हैं। हमारा उम्र ज्यादा, हम नहीं लिए, लेने से नुकसान पहुँचा रहा है। क्या हो रहा है? ले रहा है वही मर रहा है, थोड़ा अभी हवा दूसर सुन रहे हैं और फिर डर के मारे दूसरों लगवाओ नहीं। गौरतलब है कि ये ऐसे नजारे ज्यादातर मुस्लिम बहुल इलाकों में देखने को मिल रहे हैं, फिर भी यूपी सरकार लोगों को जागरूक करने की सारी कोशिश कर रही है। ये पहले से हम लोगों ने शुरू कर दिया था, जिला प्रशासन के साथ, माननीय जनप्रतिनिधि के साथ, धर्म गुरुओं के साथ भी मिलके उनसे आग्रह करके, उनको समझा के कि किस तरह ये हर एक व्यक्ति को एक सुरक्षा कवच देता है इस तरह की बीमारियों से। आगरा के मुस्लिम क्षेत्रों में भी वैक्सीन पर भ्रम की भरमार है। बार बार अपील करने के बाद भी हम लोग अपील भी करते हैं और उन्हें समझाते भी हैं, तो उनके अंदर कुछ भ्रांतियां हैं। दूसरी ओर वैक्सीन पर राजनीति की दूसरी लहर भी चालू है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जहां ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा, वहीं बीजेपी की वैक्सीन ना लगवाने की बात करने वाले एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अब ट्वीट किया है कि हम भाजपा के टीके के खिलाफ थे, पर भारत सरकार के टीके का स्वागत करते हुए हम भी टीका लगवाएंगे व टीके की कमी से जो लोग लगवा नहीं सके थे उनसे भी लगवाने की अपील करते हैं। देश की बहस पर चर्चा है कि गरीबी और शिक्षा के अभाव में तो वैक्सीन पर भ्रम फैला ही है, लेकिन वैक्सीन पर राजनीतिक वार पलटवार अब तक जारी क्यों है? तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं, लेकिन मैं मेहमानों से आपका परिचय कराऊं, उससे पहले आज देश की बहस में हमने क्या सवाल पूछा है ये बता देते हैं। भ्रम की राजनीति पर ही हमने सवाल पूछा है। भ्रम की राजनीति आखिरकार क्या वोट बैंक को साधने के लिए की गई? इसीलिए ग्राफिक्स के जरिए आज का सवाल देते हैं। हाँ या ना में आपको जवाब देना है। जवाब देने के तरीके आपको तमाम पता है। आप एक व्हाट्सएप भी हमें भेज सकते हैं और व्हाट्सएप पर अगर आप शो में शामिल होना चाहें तो अपना एक छोटा सा वीडियो भेज सकते हैं। टीका अभियान में भ्रम फैलाकर क्या राजनीति चमकाई जा रही है, ये आज का हमारा सवाल है। इस पर हाँ या ना में जवाब दीजिए और देश की बहस के अंत में हम आपको बताते हैं कि इस मामले में देश की जनता की राय क्या है। सीधे अपने बड़े पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी जुड़ गए हैं, मेरे साथ डॉक्टर एम वली जुड़ गए हैं, देश के जाने माने डॉक्टर हैं, भारत के महामहिम राष्ट्रपति के डॉक्टर रह चुके हैं, डॉक्टर सुनील सिंह जेडीयू से हैं,
खुद डॉक्टर हैं, आईपी सिंह साहब समाजवादी पार्टी के नेता हैं, राज्य मंत्री रह चुके हैं अखिलेश यादव के साथ समाजवादी पार्टी सरकार में, विवेक श्रीवास्तव जी मेरे साथ हैं, विवेक श्रीवास्तव जी लेफ्ट के नेता हैं, और थोड़ी देर में मौलाना अली कादरी जी मेरे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले आईपी सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा, मुझे बताइए ये बीजेपी वाली वैक्सीन से अखिलेश यादव खुश कैसे हो गए? वही वैक्सीन है सर, कोवैक्सीन, कोविशील्ड जो पहले सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाई, पहले उन्होंने कोवैक्सीन भारत बायोटेक ने बनाई, सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाई, ये वही वैक्सीन है जिसको अखिलेश मुलायम माननीय मुलायम सिंह जी ने कल लगवाया है, वही वैक्सीन है जिसको आप सरकारी वैक्सीन बता रहे हैं अखिलेश यादव। कम से कम इतने जिम्मेदार व्यक्ति से तो ऐसी उम्मीद नहीं की जानी चाहिए थी, जो विदेश में पढ़ा हो, जो वैज्ञानिक बातें जानता हो, वो इस वैक्सीन को जो हमारे वैज्ञानिकों की है उसको बीजेपी की वैक्सीन कहे। आपके नेता को तो माफी मांगनी चाहिए देश से इसको बीजेपी की वैक्सीन कहने के लिए, जबरदस्ती में आप बीजेपी को क्रेडिट दे रहे हैं। दीपक जी, आप देश के जाने माने पत्रकार रहे हैं और आपकी शोहरत बुलंदियों पर रही है, लेकिन जब आप समय के साथ बदल गए, आपको याद होगा कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी ने, जब ट्रायल पूरा नहीं हुआ था वैक्सीन का, उस समय आपत्ति की थी। डॉक्टर गुलेरिया सुमानी, डॉक्टर गुलेरिया ने बहुत अस्पष्ट तौर से कहा था कि बीजेपी की वैक्सीन ट्रायल होने चाहिए। क्या बीजेपी के नेताओं ने बनाई थी? क्या जेपी नड्डा ने जाके वैक्सीन बनाई थी? क्या बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी वैक्सीन बनाने गए थे? मुझे बताइए ना, कुछ भी कहते बीजेपी की वैक्सीन कहना गलत था। आप बीजेपी की वैक्सीनेशन पर चर्चा तो करते हैं, ये वही बीजेपी है कि जिसकी नीतियों के चलते देश में करोड़ों लोग मर गए, 50 लाख से ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश में मर गए। अरे सर, कोई करोड़ों लोग नहीं मरे सर, महामारी है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, हमारे खुद के अपने लोगों की जान गई है। लेकिन मुझे बताइए ना, जारी होगी कोवैक्सीन और कोविशील्ड को बीजेपी वैक्सीन बताने का क्या मतलब है बताइए? और आज क्या बदल गया ये भी बताइए। ये जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, चाहे भारत बायोटेक, ये 7 दशक से देश में है, ये 2014 के बाद मोदी ने नहीं लगाया है। तो सर, इसी को बीजेपी की वैक्सीन क्यों कहा था? सिंह साहब, आप खुद मान रहे हैं 7 दशक से देश में है, तो इसको बीजेपी की वैक्सीन क्यों कहा था बताइए ना। बाबा राम, क्या प्रेम शुक्ला जी वैक्सीन बनाने गए थे? दीपक जी सुन लीजिए, बाबा रामदेव का वैक्सीन से क्या लेना देना साहब? बाबा रामदेव का वैक्सीन से क्या लेना देना? का बाप भी आ जाए और हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे, बाबा के करोड़ों समर्थक हैं। क्या आपने सवाल पूछा? कभी नहीं कहा बाबा रामदेव ने ऐसा, माफ कीजिएगा साहब, गलत सच बोलिए, बाबा रामदेव ने कभी नहीं कहा ऐसा। किसी बीजेपी के प्रवक्ता ने बाबा से सर कभी नहीं कहा बाबा रामदेव ने। आप मुझे बताइए अखिलेश ने किस आधार पर इसे बीजेपी की वैक्सीन कहा? मुझे इसका जवाब दे दीजिए, बस इसका जवाब दे दीजिए, अखिलेश ने किस आधार पर बीजेपी की वैक्सीन कहा? किस आधार पर बीजेपी की वैक्सीन कहा ये बता दीजिए मुझे तो बस। आप टॉयलेट पर जाइए। रामदेव ने क्या कहा, श्याम देव ने क्या कहा, मैं इसमें नहीं जाना चाहता। अखिलेश यादव के कहने का क्या आधार था कि ये बीजेपी की वैक्सीन है? और प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बंगाल में जाकर वो दीदी सर बीजेपी की वैक्सीन का बताइए ना, नहीं मरते अगर वैक्सीन लग जाती तो। लखनऊ के अंदर दीपक जी, आपके लोगों ने नहीं लगवाई वैक्सीन, इसीलिए शायद ज्यादा मौतें हुई। प्रचार कर रहा था भारत का प्रधानमंत्री जोकर की तरह बंगाल में, अपनी बात करिए ना, महिला को जो सर अपने घर में अगर गड़बड़ हो तो दूसरों पर उंगलियां नहीं उठाते, खुद के घर शीशे के बने हो तो कांच वाले घरों पर पत्थर नहीं फेंकते। और एक बात और, एक बात और, सब पर डिबेट किया सिंह साहब, आप रोज नहीं बैठते, हमने हर मुद्दे पर डिबेट किया, बंगाल में रैलियां क्यों हुई इस पर भी डिबेट किया। 8 मार्च को कहा था कि कोई कोरोना की महामारी अब देश मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, आईपी सिंह साहब अखिलेश के किस आधार पर इसे बीजेपी की वैक्सीन का? एक मिनट रुकिए, आपके एक एमएलसी आशुतोष, उन्होंने क्या बयान दिया था, सुनिए उन्होंने क्या बयान दिया था, एक मिनट आशुतोष सुनाइए, आशुतोष जी ने क्या कहा था, आईपी सिंह साहब को फ्रेम में रखिए। क्या हमारा एमएलसी जो अभी सुनिए ना आशुतोष जी ने क्या कहा था, क्या वो हमारा लगता है कि कहीं ना कहीं उस वैक्सीन में कुछ ऐसी चीजें हो कि नुकसान हो जाए और
और हमें लगता है कि बाद में लोग कह दें कि नहीं जनसंख्या कम करने के लिए मारने के लिए लगा दिया वैक्सीन, तो आप नपुंसक बना, कुछ भी हो सकता है। लगता है कि कहीं ना कहीं वैक्सीन में कुछ ऐसी चीजें होंगी नुकसान, और हमें लगता है कि बाद में लोग कह दें कि नहीं जनसंख्या कम करने के लिए मारने के लिए लगा दिया वैक्सीन, तो आप नपुंसक बना, कुछ भी हो सकता है। आपने देश से माफी नहीं मांगा। अब बताइए, आपके आशुतोष एमएलसी हैं, इन्होंने किस आधार पर कहा कि नपुंसक बनाने के लिए वैक्सीन है? बताइए बताइए, आईपी सिंह साहब किस आधार पर कहा कि नपुंसक बनाने के लिए वैक्सीन है? राष्ट्रीय महासचिव हैं क्या वो, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं? मुझे बताइए ना, नपुंसक बनाने के लिए वैक्सीन है ये क्यों कहा? ऐसी कोई बात नहीं है। जिस बात को समाजवादी पार्टी रेज करती है कि ये झूठी सरकार है, ये झूठे प्रचार करने वाले लोग हैं, ये मौतों के सौदागर हैं, लेकिन आप सर आप कहिए ना, झूठी सरकार कहिए, झूठा प्रचार कहिए, स्वागत है आपका आलोचना करने में, रहते कि पर नपुंसक बनाने की बात कैसे करती, बताइए ना। डिलीट तक नहीं किया जबकि सिद्ध हो गया कि योगी ने गाली दिया था, लाइव गाली दिया था, ये एनआई के कैमरामैन को गाली दिया था, और आप उनके पक्ष में ट्वीट किया था। क्या बात कर रहे हैं, मैं क्या ट्वीट करता हूं, उसमें छोड़िए ना, आप जैसे छोड़िए ना, मेरे सवाल का जवाब दीजिए आईपी सिंह साहब, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, किस आधार पर कहा आपके एमएलसी ने कि नपुंसक बनाती है वैक्सीन? अरे भाई, मैं सर बाबा रामदेव पर भी करेंगे और यूपी के श्याम देव को भी करेंगे, वो श्याम देव जो आप लोगों के भ्रम के कारण वैक्सीन नहीं लगा रहा है। अभी कोई कार्यकर्ता चुनाव जीतकर 2 महीने पहले आया, उसकी ट्रेनिंग नहीं हुई है, और वो व्यक्ति ये इस तरह के निराधार बातें करता, आप उस पर देश के बड़े चैनल में बैठ के, अखिलेश की तो ट्रेनिंग हुई है ना, अखिलेश की तो ट्रेनिंग हुई है ना, मान ली आपकी बात, अखिलेश की ट्रेनिंग तो हुई है ना, अखिलेश की भी ट्रेनिंग नहीं हुई जिन्होंने बीजेपी की वैक्सीन का? एक नहीं हजार सवाल पूछिए, अगर आपके हर सवाल का मैं जवाब न दूं, मेरे मैं पूछ रहा हूं ना, तो आप भूल जाइए, एक ही सवाल पूछ रहा हूं, जवाब दे दीजिए, अखिलेश यादव ने किस आधार पर इसे बीजेपी की वैक्सीन का, एक ही सवाल पूछ रहा हूं, जवाब दे दीजिए, अखिलेश यादव ने किस आधार पर इसे बीजेपी की वैक्सीन का? और जब तार्किक बात करेंगे तो बाबा रामदेव कर रहा हूँ, इसमें अतार्किक क्या है? बाबा रामदेव किस आधार पर बीजेपी की वैक्सीन का, बताइए ना, आप तो बीजेपी को अननेसेसरी का क्रेडिट दे रहे हैं। बारे में WHO को लेकर झूठ बोला, और WHO ने साबित कर दिया कि कोरोनिल कुछ नहीं है, और आप जैसे बड़े चैनल सर भी बाबा, आप अखिलेश यादव की बात करिए ना, बाबा रामदेव से आपका क्या लेना देना, समाजवादियों का क्या लेना देना, वो अपना पतंजलि जी चलाते चला है, जैसे योग कराते करें, बट आप अखिलेश जी की बात का जवाब तो दीजिए। साथ खड़े हैं, प्रधानमंत्री के मित्र हैं, योगी के सखा हैं, किसके क्या क्या मैं आपको बताऊं, क्या बताऊं कि जो बाबा रामदेव नहीं है? अरे ये अलग बात है कि चलिए छोड़ दीजिए, मुझे पता है आपके पास जवाब नहीं है, अखिलेश यादव को आज आप डिफेंड नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, आईपी सिंह साहब मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ, अखिलेश यादव ने किसी भी प्रवक्ता को डिफेंड करने लायक नहीं छोड़ा है, नहीं। उनके इस बयान को कैसे भी डिफेंड नहीं किया जा सकता, मैं सीधे डॉक्टर वली के पास चलूंगा, डॉक्टर वली नपुंसकता, ये जितने भी भ्रम फैलाए गए हैं समाज में, समाज के कुछ पॉलिटिशियंस के द्वारा, समाज के कुछ धर्मगुरुओं के द्वारा, आप क्या कहेंगे उस पर और क्या कहना चाहेंगे, क्या वैक्सीन नपुंसक बनाती है, क्या वैक्सीन आपको आपकी जान ले लेती है? अरे जिस देश की शिक्षा मंत्री 8वीं पास अच्छा, बना दे, जिस प्रधानमंत्री अच्छा की डिग्री का पता ना हो, जिस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री की डिग्रियां फर्जी हो, आप ऐसे लोगों की बात करते हैं, ऐसे लोगों की बात करते इतनी देर आपसे सवाल पूछा, अरे वो आप पूरी रामायण बोलते रहे, पर आपने ना पहला बाल कांड बताया ना सुंदर कांड बताया, क्योंकि सवाल का जवाब नहीं है आपके पास, माफी मांग लीजिए ना देश से कि गलती हो गई थी अखिलेश जी से, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, माफी मांग लीजिए, बात खत्म हो जाएगी, तो उसी परिक्षेत्र से आते हैं, माफी मांग लीजिए अखिलेश जी के बयान के लिए, से जहां से भगवान श्री राम तामसा नदी पार करके चित्रकूट को प्रस्थान किए थे, हम उसी क्षेत्र से आते हैं, हम आजमगढ़ से आते हैं, अयोध्या से सटा हुआ है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, पूर्वांचल का बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है, पूर्वांचल एक बहुत अच्छी बात है, मैं तो ये कह रहा हूँ अखिलेश यादव ने जो बीजेपी की वैक्सीन का गलत कहा उसके लिए माफी मांग लीजिए, खत्म हो जाएगी बात, इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाया है, शायद
शायद देश के सबसे बड़े मॉडल हैं, जिसको नितिन गडकरी ने अडॉप्ट किया, जिसको बीजेपी। चलिए ठीक है सिंह साहब, मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ, आप डिफेंड करने की हालत में नहीं है, कोई मजबूरी नहीं। आप मुझे सवाल, तो फिर हार क्यों गए सर चुनाव? जवाब आपको ना दूं तो फिर कहिएगा आप हार क्यों गए चुनाव? अच्छा सिंह साहब, मुझे पता है जवाब नहीं है, सवाल का जवाब नहीं है। चलिए मैं आपको और परेशान नहीं करता, क्रॉस क्वेश्चन नहीं करता। वली साहब इस बारे में सबसे कॉम्पिटेंट है, सबसे केपेबल है जवाब देने में वैक्सीन के बारे में। ये जो भ्रम फैलाए डॉक्टर वली, क्या कहेंगे इस पर? दीपक जी, ये जिस समय देश में वैक्सीन का हमारे चरम सीमा पर था अभियान, उस समय कुछ शरारती तत्वों ने इधर उधर से उठा के इसको फैलाया है, गलत भ्रम को। और जो जैसे आपने अभी कहा, गांव के सीधे साधे लोग होते हैं, वो इस भ्रम में आ गए और लोग नदियों में कूद गए। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ देख के कि पहले तो लोग जब पोलियो के लिए जाते थे हम लोग, हमारा स्टाफ तो घरों में छुप जाते थे, दरवाजा नहीं खोलते थे, लेकिन इस बार नदी में कूद गए, गायब हो गए, घरों से चले गए। तो ये उनके उनको हमको ठीक संदेश पहुंचाना पड़ेगा। नंबर वन, इस वैक्सीन से कोई मौत नहीं होगी। दूसरे, हमको ये भी संदेश पहुंचाना पड़ेगा, इसमें कोई जेनेटिक डिजीज, कोई ऐसा जेनेटिक मटेरियल नहीं है जो वो समझ रहे हैं कि हमारी नस्लें खराब हो जाएंगी। तीसरा, इससे रोगग्रस्तता नहीं होती है। चौथा, वैक्सीन के कोई विशेष साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। हम लोग कह रहे हैं जो साइड इफेक्ट पूरी दुनिया ने देखे हैं, वो साइड इफेक्ट जो हैं वो सिर्फ बुखार। मुझे भी वैक्सीन लगा है, मेरे घर में वैक्सीन लगा है, मेरे बच्चे को बाहर रहता है वो लंदन में, उसको भी दोनों वैक्सीन लगे हैं। तो सिर्फ हमारे ही घर की जो बात है, वो हल्का बुखार आया है और कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा कोई भी साइड इफेक्ट, 0.003% इसका साइड इफेक्ट है, जो कि बहुत हजारों में, 10,000 में एक को होगा। तो इसकी वजह से डरना, भ्रम फैलाना और हमें अपनी मौत को करीब बुलाना, अगर हम वैक्सीन में डिले कर रहे हैं तो हम अपनी मौत को करीब बुला रहे हैं, और अगर हम वैक्सीन लगा रहे हैं तो हम अपनी मौत से बच रहे हैं, आईसीयू में जाने से बच रहे हैं, घनघोर कोरोना से बच रहे हैं, सीवियर डिजीज से बच रहे हैं, और हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, नेशन बिल्डिंग में काम कर रहे हैं। और ये वैक्सीन किसी का नहीं है, ये कोविशील्ड है और कोवैक्सीन है और स्पुतनिक आएगा, और अभी 5 कंपनियां और हमारे भारतवर्ष में स्वदेशी वैक्सीन बनाने जा रही हैं। तो हमें इस बात का गर्व है, और मैं बहुत शुरू से पिछले साल नवंबर से कह रहा हूं कि भारत जो है एक लीडर देश है वैक्सीन बनाने में, और हमने पूरी दुनिया को वैक्सीन सप्लाई कर रहे हैं और हमने दान भी किए वैक्सीन। अगर हम दान करने के बाद, जी ठीक है, अगर हमने दान किए वैक्सीन उसके बाद कमी पड़ी है। मैं इसी बात को लेकर विवेक श्रीवास्तव के पास जाऊंगा, फिर प्रेम शुक्ला जी के पास जाऊंगा। विवेक श्रीवास्तव जी, आज सबसे पहले तो आप अपील करिए, क्योंकि आप वैज्ञानिक सोच के आदमी है, बताइए कि सब वैक्सीन लगवाएं, प्लीज अपील करिए और बताइए मुझे क्या इस तरह के भ्रम फैलाने वाले गयान अनुचित और गलत नहीं थे, भले से राजनीति के लिए किए गए हो। वैक्सीनेशन होना चाहिए, वैक्सीनेशन सब लोग करवाएं, अच्छी चीज है। प्रॉपर ट्रायल के थ्रू वैक्सीन आ रहे हैं, अच्छे देशों से आ रहे हैं, कुछ हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, आप लगवाएं वैक्सीन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बड़े सारे सवाल है सर, आप उनसे आप भाग नहीं सकते। और ये यहाँ पे डिबेट के ऊपर एक ये भ्रम फैला करके कि साहब लोगों ने वैक्सीन नहीं लगने दी इसीलिए ये मृत्यु हो गई, लोग तो सेफ नहीं थे, भाजपा बहुत अच्छी है, नरेंद्र मोदी साहब ने बड़ा अच्छा काम किया, ये गलत बातें हैं। आप सुनिए मेरी बात ध्यान से, मुझे दीजिए एक मिनट। पहली चीज, 2020 में चीफ सेक्रेटरी ने प्रधानमंत्री को और कैबिनेट को कहा कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज देश में होने जा रही है, इसके बावजूद इस देश से ऑक्सीजन का एक्सपोर्ट हुआ, पहली चीज, जिसकी वजह से मौतें सड़कों पर हुई। अगर आपके देश में आज भी वैक्सीन की शॉर्टेज है, 6 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन विदेश में आपने बेची उस वक्त, दूसरी बड़ी गलती जो प्रधानमंत्री ने करी है। तीसरी बात, यही स्पुतनिक, यही फाइजर, यही विदेशी कंपनियां करार के लिए नवंबर दिसंबर में तैयार थी, अपोजिशन की पार्टीज ने कहा था आगे बढ़िए, लेकिन प्रधानमंत्री ने किसी के साथ कोई समझौता इंपोर्ट का नहीं किया, आज वही करार किए जा रहे हैं इतने लोगों के मरने के बाद, ये थी तीसरी बड़ी भूल। चौथी भूल सुनिए आप, केंद्र ने सबसे पहले जिम्मा अपने हाथ में लिया, मोदी साहब ने अपने आप को एक हीरो घोषित किया, अप्रैल के अंदर जब मौतें होने लगी तो बड़ी कन्वीनियंटली स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर टीकड़ा फोर करके चले गए। आज जब कंडीशंस ठीक हो गई हैं और सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा है, पढ़िए आप उस जजमेंट को कि क्या है आपके वैक्सीनेशन का प्लान, जनसंख्या कितनी है, कितनी वैक्सीन चाहिए, कहां से लाएंगे, इनोक्यूलेशन का प्लान क्या है,
डिस्ट्रीब्यूशन का प्लान क्या है, टाइम प्लान क्या है। और आपको बता दूं, अभी भी झूठ बोल रहे हैं कि दिसंबर तक सब लोग जो है वो इनोक्युलेट हो जाएंगे। जिस रेट पे इनोक्युलेशन चल रहा है, चलिए आपकी बात को प्रेम शुक्ला जी के पास ले जाता हूँ। आपने बिल्कुल बिना रोक टोक के आपकी पूरी बात पूरी हुई है, सीधे प्रेम शुक्ला जी के पास चलते हैं। प्रेम शुक्ला जी, पहला सवाल, भ्रम की राजनीति क्यों की गई? और दूसरी बड़ी बात, ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के कहने पे की, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे की या सरकार इस पर एक पॉलिसी डिसीजन लेकर जनता के सामने आई कि हम लगवाएंगे वैक्सीन? देखिए, संकट ये है कि विपक्ष जो है विरोध में इतना अंध हो चुका है कि उसके ध्यान में नहीं आ रहा है कि जो सरकार पहली बार पूरे जो है भारत के इतिहास में आप जो है 60 वर्षों में 60% लोगों को विविध रोगों के उपलब्ध वैक्सीनों से वैक्सीनेट नहीं करवा पाते और सरकार को 2014 में इंद्रधनुष योजना लानी पड़ती है, तब जाकर आपका वैक्सीनेशन 90% कवरेज हो पाता है। और आप जो है आज दुनिया के सबसे के बीच में ना बोले, देखिए दीपक जी के पास कैसे गए बीच में ना बोले, 60 साल में दीपक जी मैडम बिल्कुल इनको टोका नहीं, मैंने दीपक जी बीच में नहीं थी, प्लीज बीच में नहीं, प्रेम शुक्ला जी बहुत थोड़े देर के लिए हैं, प्रेम शुक्ला जी ने वैसे ही मैंने वक्त नहीं दिया, विवेक जी आपको पहले वक्त दिया प्लीज, सिर्फ प्रेम शुक्ला जी की आवाज। बकवास ना करें, बकवास ना करें, बकवास ना करें। देखिए, वैक्सीनेशन के कार्यक्रम के संदर्भ में सबसे रोबस्ट जो इस दुनिया में जिन देशों के कार्यक्रम है उसमें भारत एक है, क्योंकि भारत 23 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करवा चुका है। भारत के 29 करोड़ लोगों के वैक्सीनेशन की प्रोसेस जो है वो वैक्सीन जो है वो पाइपलाइन में है। 44 करोड़ वैक्सीनेशन का वैक्सीन कॉर्डराज भारत ने दिया है। 30% और 30 करोड़ वैक्सीन जो जिसका जो है इमरजेंसी ऑथराइजेशन के प्रोसेस में है, ऐसी कंपनी के साथ हमारा करार और उसको एडवांस दिया जा चुका है। तो वैक्सीनेशन का अमेरिका से भी तेज गति से कार्यक्रम अगर कहीं हो पाएगा तो भारत में होगा, ये सामने दिख रहा है। लेकिन अब कुछ लोगों ने जिन्होंने भ्रम फैलाया वैक्सीन को लेकर, जैसे अखिलेश सिंह यादव ने भ्रम फैलाया, देखिए कभी भी राजनीति में किसी भी समझदार व्यक्ति को थूकने के पहले सोचना चाहिए, कहीं ये चाटने का अवसर तो हमको नहीं आ जाएगा। तो जिस तरह से अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा ये भाजपा की वैक्सीन है, किसी ने कहा साहब नपुंसक हो जाएगी कर देगी वैक्सीन, और जिस बारे में अभी डॉक्टर वली ने बहुत स्पष्टता से मेडिकली किसी प्रकार का इसका साइड इफेक्ट नहीं है, इसलिए इसके बारे में भ्रम न फैलाए। इसका जो कार्यक्रम है वो बहुत बेहतरीन कार्यक्रम दुनिया का, आप 60 साल में जो है 10 मिलियन प्रतिदिन टीके लगेंगे, तब शायद कौन है क्यों चीख रहा है, मेरी समझ नहीं आ रहा है। जो डोजेस की जरूरत है तब कौन है ये साहब, है इनकी साइकिल पंक्चर है, पूछे बताइए, इनकी साइकिल भयंकर पंक्चर है, दोनों टायर जो है जा चुके हैं, अखिलेश सिंह यादव के चुके दोनों टायर जा चुके हैं। नेता होता है तरफ जाता है, सरकार बनाने में लगे रहे, सरकार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सिंह साहब, मैं आपके पास आऊंगा, उनको कंफ्यूज करने दीजिए, सिंह साहब मैं आपके पास आऊंगा, सिंह साहब मैं आपके पास आऊंगा, आपको जवाब देने का पूरा मौका दूंगा, बीच में मत बोलिए। दावेदार है और मुख्यमंत्री अपने मठ में बैठा हुआ है और उत्तर प्रदेश की जनता इलाज बगैर तड़प तड़प के मर रही है। क्या हो गया वैक्सीनेशन पर बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश पर बात करने को बहुत मौके मिलेंगे आपको, उत्तर प्रदेश पर बात करने के बहुत मौके मिलेंगे। मेरी एक दर्शक जुड़ गई है, उनके पास चलता हूँ, सुरभि इंदौर से, सिंह साहब आईपी सिंह साहब एक मिनट रुक जाइए। डिबेट में सब कुछ चिल्लाना ही नहीं होता है, तर्क भी देना होता है, सवाल का जवाब भी देना होता है। सुरभि जुड़ गई इंदौर से, सुरभि जिन लोगों ने भ्रम फैलाया उन्हें क्या कहेंगी और क्या कहना चाहेंगी वैक्सीनेशन के बारे में, क्या आपने लगवा ली वैक्सीन? जी नहीं सर, मुझे कोविड हो गया था जिस वजह से मैंने वैक्सीन नहीं लगवाई थी, लेकिन वैक्सीन की आज एक कवच के रूप में हमारे साथ में है और वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है।
किसी के घर में अगर प्रेग्नेंट महिला है तो जो उनका घर के अदर सदस्य अगर वैक्सीन लगवाते हैं तो सुरक्षा का कवच वो प्रेग्नेंट जो महिला है उनके लिए सबसे बड़ा कवच हो जाएगा, जिससे बच्चा भी सुरक्षित रहेगा और माँ भी सुरक्षित रहेगी। तो वैक्सीन सभी को लगवाना है। हालांकि सभी के अभी भी कई तरह के सवाल लोगों के मन में उठ रहे हैं कि वैक्सीन लगवाने से क्या होगा, कोरोना ठीक होगा नहीं, तो फिर वैक्सीन क्यों लगवाना, वैक्सीन लगवाने के दोनों डोज के बाद भी वैक्सीन कोरोना हो रहा है तो फिर वैक्सीन क्यों लगवाना है। लेकिन अभी तक जो रिसर्च हुए वैक्सीन लगवाने के बाद जो परिणाम सामने आ रहे हैं उसमें ये चीज सबसे ज्यादा सामने आई है कि जिन्होंने कोविड का फर्स्ट डोज भी लगवाया है या सेकेंड डोज लगवाया हो उसके बाद में सिविलिटी के केस बहुत कम हो चुके हैं। अगर जिन्हें कोविड हुआ है वो बहुत जल्दी रिकवर कर रहे हैं, उनकी इम्यूनिटी लेवल बढ़ रही है। बिल्कुल ठीक है सुरभि, मैं आपको रोकूंगा क्योंकि आपकी आवाज बहुत ज्यादा इको कर रही है, क्लियर नहीं है, कम क्लियर है। आपने जितना कहा उसमें कुछ बात हमें समझ आई है। आपने कहा कि वैक्सीन आप जरूर लगवाएंगी और वैक्सीन हर किसी को लगवाना चाहिए। सीधे मैं इसी सवाल को लेकर मौलाना अली कादरी के पास चलूंगा। मौलाना अली कादरी जी, रजा एकेडमी ने कहा कि पहले तो सर्टिफिकेट दिलवाइए साहब, ये हराम है हलाल है, फिर भ्रांति भ्रांति की चीजें, और कई सारे राज्यों से खबर आ रही है कि आपके समुदाय के लोग नहीं लगवा रहे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, सिर्फ मुस्लिम हिंदू भी हैं उसमें, और ऐसे लोगों की तादाद ज्यादा है जो गरीब और अशिक्षित है। क्यों हो रहा है ऐसा, और आप जैसे लोगों को निकलकर आगे नहीं आना चाहिए? देखिए दीपक जी, आपके चैनल के माध्यम के जरिए कई मरतबे मैं वैक्सीन लगाने के लिए अपील कर चुका हूँ और आइंदा भी अपील करूंगा। और जो लोगों को भ्रम पैदा हुआ है ये नेताओं के जरिए नहीं, क्योंकि आजकल जनता का भरोसा नेताओं पर नहीं रहा, इसीलिए इस पर कोई एक्सपर्ट्स को लाकर के बिठाइए और वो बताएं, आपके चैनल पर लाकर बिठाएं या और कोई माध्यम के जरिए जनता तक ये बात को पहुंचाएं कि वैक्सीन से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी नुकसान नहीं है, ये बात को क्लियर करना चाहिए और हमारे भारत को जल्द से जल्द ये COVID-19 से मुक्त करने की जरूरत है। तभी होगा जब सारे लोग वैक्सीन लगाएंगे। अब वैक्सीन लगाने के लिए जो लोग तैयार है, अब आप जो हमारी मरकजी हुकूमत है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो तो प्रोवाइड कर ही नहीं रही है। महाराष्ट्र में वैक्सीनेशन सेंटर बंद, दिल्ली में वैक्सीनेशन सेंटर बंद और कई प्रदेशों में वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो गए, तो पहले आप प्रोवाइड तो करवाइए ना वैक्सीन। खाली बम पुकारा करेंगे, आकर के जनता को जो है संदेश देंगे कि हम फ्री वैक्सीन कर दिए है, अरे भाई पैसे देके लेने के लिए भी तैयार है, लेकिन आप पहले प्रोवाइड तो करो वैक्सीन। वैक्सीन है नहीं, खाली बलवा पुकारा चल रहा है, तो लोग जो लेना चाहते हैं वो कहां जाकर लेंगे वैक्सीन? ठीक है मौलाना अली कादरी जी, मौलाना अली कादरी जी, हम बात करेंगे, हमारे पास और वक्त होगा, और भी बड़ी जिम्मेदारी आप जैसे लोगों की हो जाती है। सीधे मैं डॉक्टर सुनील सिंह के पास चलूंगा। डॉक्टर सुनील सिंह, क्या वैक्सीन की कमी है और क्या प्रधानमंत्री ने जब कल रोड मैप दिया उसके बाद किसी तरह का कंफ्यूजन बाकी रहना चाहिए? दीपक जी, पहले पूरी डिबेट को हम इस परिप्रेक्ष्य में देखें कि संभावित कोरोना की तृतीय लहर से बचने का सुरक्षा कवच एकमात्र टीकाकरण है, और टीकाकरण में सारे लोगों का सहयोग जरूरी है। द्वितीय लहर में हमारे इतनी दिक्कत होने का कारण एक सब हुआ कि टीकाकरण को लेके पक्ष विपक्ष की तूतू मैमे में जनता भ्रमित हो गई। आगे ये गलती हम ना दोहराए। देखिए, हमें सीख लें कि अगर जैसे कि मुलायम से ये अखिलेश यादव जी ने जो उन्होंने गलती करी आज उन्होंने सुधार लिया, तो हमें लगता है कि उस पर चर्चा पर अब करने की जरूरत नहीं। वो स्वागत करते हैं उनको ये, क्योंकि पुराने वक्त में क्या हुआ ये छोड़िए, अब हम सबको मिलकर के टीकाकरण के जागरूकता के लिए, फैसिलिटेशन के लिए और सारे चीजों के, जैसा कि हमारे वली साहब सुनील फिजी साहब ने बोला है या सभी जमे, तो जहां भी गरीबी और अशिक्षा है, ये कोई एक समुदाय की बात नहीं है, वैसे आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं, तो गरीबी और शिक्षा एक पर्टिकुलर समुदाय को चिन्हित नहीं करके सारे वैसे वर्गों में हम धर्मगुरुओं का, समाज सेवियों का, सारे राजनीतिक पार्टी कार्यकर्ताओं को लेकर जागरूक जब तक नहीं करेंगे तब तक ये नहीं हम संभव हो सकेगा। अखिलेश यादव जी ने जो गलती करी माफी मंगवाने की जरूरत नहीं है, एक ढंग का उनका यू टर्न लेना ही माफीनामा है, और पुराने तूतू मैमे में जाने से कोई फायदा नहीं। सब बेनकाब है विपक्षी पार्टियां जिन्होंने टीकाकरण पर एक राजनीति की, जनता भ्रमित हुई और हम जो कीमत उसकी द्वितीय लहर में जो कीमत चुकाए हैं सारे के सामने खुला हुआ है। अब आपके पूरे डिबेट को हम पॉजिटिव नोट में ही करना चाहेंगे
कि सारे पक्ष विपक्ष में पुरानी बातों को छोड़कर सारे लोग अपील करें, जैसे मौलाना वली साहब ने, सीनियर फिजिशियन साहब ने कहा है, सारे लोगों को एकजुट होकर के, इसमें कोई सरकार की बात नहीं है, कोई पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, कोई धर्मगुरु की बात नहीं है। और विवेक साहब जो एक ऐसा पिक्चर पेंट करते हैं, पता नहीं हर चीज में राजनीति घुसाते हैं गलत बयानी करके, अरे टीका जब बाकी देशों में भारत सरकार ने एक्सपोर्ट किया, तो जब टीके का आप कच्चा माल लेते हैं तो आपको ये दायित्व होता है, जब कच्चा माल लेते हैं तो दायित्व होता है उनको देने का, और ये अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता, अंतर्राष्ट्रीय तहत आप देते हैं। इस बात का झूठा बयान करके कम से कम अब ये वैक्सीन की क्या है क्या नहीं है, देखिए आज भी जो केंद्र सरकार की बात आ रही है, करें ना सर, आप वैक्सीनेशन के प्लान से मुझसे डिबेट करें, आपके डिबेट नहीं कर सकता सर, देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ वैक्सीन इन द कंट्री, यू मस्ट एग्री। कर रहे हैं वही कर रहे हैं विवेक जी, मास्टर जी, और एक रोड मैप सरकार ने दिया है कि 216 करोड़ वैक्सीन दिसंबर तक आएंगी। चलिए अभी भरोसा करते हैं, अगर नहीं आएंगी तो जनता के सामने सरकार भी एक दो सीधे सिंह साहब को जवाब देता हूँ। सिंह साहब आप कहेंगे आगे की सुन ले, अभी अखिलेश जी के बयान को उठाने की जरूरत नहीं है, जो डॉक्टर सुनील सिंह कह रहे हैं आप ये कह दीजिए, बात खत्म। इस देश में वैक्सीन की एक कमी चल रही है, इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। आपने आपने एग्रीमेंट नहीं किया फॉरेन कंपनी से, स्पुतनिक को आपने वापस किया। विवेक जी आईपीसी की से सवाल है, आईपीसी की जवाब दीजिए सर, मेरे को जरा इनको काउंटर कर लीजिए जिन्होंने मेरा नाम लिया। विवेक जी जनता को भ्रमित ना करें, जनता विवेक सिंह जी हमारे साथ 10 बजे तक जाने वाले हैं। जी आप कहेंगे पुराने बयानों को भूल जाइए, आप वैक्सीनेशन करवाइए या आप अपील करेंगे, तो आप इतना चिल्लाने लगेंगे, जनता को भ्रमित ना करें। विवेक जी आप जिम्मेदार नागरिक, दोनों डोज के बीच में कितना बड़ा टाइम स्पेंड हुआ, एम्स के डायरेक्टर हैं, देखिए दोनों डोज के बीच में, विवेक जी दीपक जी, मैं विवेक जी को जवाब दूंगा, दीपक जी मैं विवेक जी को जवाब दूंगा, दीपक जी कि विवेक जी का कहना है कि दो डोज के बीच में, ठीक है मैं आऊंगा आपके पास, सिंह साहब को सुन लो, सिंह साहब जाने वाले, लेकिन अगर बीजेपी, अरे आप हमारे को बात करने दीजिए ना दीपक जी, जब हम कह रहे हैं काउंटर करने, हमारा विरोध रहेगा। और दूसरी दीपक जी विवेक जी की जो परीक्षा है, मैं आऊंगा आप दोनों के पास, आपको जाना है, उनको मौका ना दूंगा, फेर होगा उनके साथ। दूसरे मेरा सवाल है कि गरीबों को टीके भारत में कब लगेंगे, गांव में लोगों के पास रजिस्ट्रेशन के लिए मोबाइल नहीं है, भारत सरकार क्या प्रक्रिया अपना रही है, हमने पहली डोज लगाई बताया गया कि 28 दिन बाद लगेगा, फिर कंफ्यूजन हुआ 40 दिन बाद लगेगा, फिर तीसरा कंफ्यूजन हुआ 3 महीने बाद लगेगा, और KGMU जो लखनऊ का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है, उसने कहा कि जो सिर्फ 7% इससे स्ट्रेंथ आती है, उस पर भी जो डॉक्टरों का पैनल, उसे स्पष्ट करना होगा कि इसका क्या लाभ हम सबको मिल रहा है। फाइजर इस देश में कब आएगी, इस स्पुतनिक का इंपोर्ट कब बढ़ेगा, राज्यों को ये पैसे कब देंगे, राज्यों के ऊपर बार बार टिकरा क्यों फोड़ने का काम किया, क्यों बार बार गैर भाजपा शासित राज्यों पर तलवार, जवाब ले लेते सरकार, क्यों उत्तर प्रदेश में जिस तरह का सिर फुटावल है उसका नुकसान उत्तर प्रदेश की जनता भुगत रही है, उत्तर प्रदेश में 6 महीने बाद चुनाव है और न बिजली आती है, जवाब ले लेते हैं आरपी सिंह साहब, गोलियां उपलब्ध है, लोग रोटी रोटी का मोहताज है। देखिए दीपक, जिस शक के दायरे में वैक्सीन शुरू में अखिलेश सिंह यादव लाए, आज इनके नेता भी वही कर रहे हैं, वो इससे अलग नहीं कर रहे कि वैक्सीन गरीब आदमी तक, अरे भैया यूपी के गांव-गांव में आशा वर्कर और जो और लोग हैं सरकार के लोग, वो जा रहे हैं, और निश्चित होगा अगर मोबाइल फोन नहीं है तो भी वैक्सीन लगेगा, आप निश्चित रहिए। तो मैं एक आंकड़ा पढ़कर सुना देना चाहता हूँ, बड़ा जरूरी है वो समझने के लिए। जनवरी से मार्च तक राजस्थान को 10,57,000 वैक्सीन दी गई, 5,72,000 लगी, बाकी पड़ी रही। पंजाब को 2,79,000 दी गई, 84,000 को लगी, पड़ी रही। छत्तीसगढ़ को 4,26,000 दी गई, 1,94,000 लगी, बाकी पड़ी रही। दिल्ली को इसी प्रकार 4,36,000 दी गई, 2,42,000 लगी, पड़ी रही। झारखंड को 3,07,000 दी गई, 1,00,000। मेरे पास एक पूरी फिगर है, वह ये जो इन्होंने शुरू में भ्रांति फैलाई ना, ये उसी का नतीजा है। आप डेटा चेक करिए, डॉक्टर्स ने वैक्सीन लगाने से मना कर दिया। एक दिन मैं एक डिबेट में
आरएमएल के डॉक्टर बोले मैं नहीं लगाऊंगा कोवैक्सीन। मैं कहा क्यों भैया? कहते हमारे सब नेता ने नेता लोग कह रहे हैं, मनीष तिवारी, शशि थरूर, अखिलेश यादव, उन्होंने नाम लेकर कहा डिबेट के अंदर आरएमएल के डॉक्टर ने कि मैं वैक्सीन लगाऊंगा, क्योंकि नेता नहीं लगा रहे। क्या बोल रहे थे ये? पहले मोदी जी वैक्सीन लगाए। अरे एक प्रक्रिया तय करी कि पहले फ्रंटलाइन वॉरियर डॉक्टर उनको वैक्सीन लगने दो, उसके बाद 60 साल के ऊपर वाले, उसके बाद 45 साल के वाले। जब नंबर आया प्रधानमंत्री मोदी जी गए, परंतु आज तक राहुल गांधी नहीं गए, आज अखिलेश यादव जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, आप हिंदुस्तान की वैक्सीन में विश्वास करते हैं। हमें तो लगा शायद आप राहुल गांधी की तरह विदेश से वैक्सीन लगाकर आ गए और यहाँ आकर हल्ला कर रहे हैं। अच्छी बात है, भारत की वैक्सीन लगाएंगे, परंतु कृपा करके सिंह साहब अभी आपके डिबेट में बैठे थे और फिर ये एक भ्रम की स्थिति फैला रहे हैं कि देश में वैक्सीन की कमी है, देश में वैक्सीन की। मैंने भी आपके सामने डेटा पढ़ दिया और मैं आगे का डेटा भी, एक मिनट, एक आधा सेकंड जरूरी है दीपक, आगे का डेटा भी पढ़ देता हूँ। जून के महीने के अंदर लगभग 12 करोड़ वैक्सीन देश में आ रही है, जो अभी तक जानी शुरू हो गई है। जुलाई के महीने में लगभग 15 करोड़, और इसी प्रकार आने वाले महीनों के अंदर लगभग, एक सेकंड दीपक, बड़ा जरूरी है क्योंकि ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, अगस्त में लगभग 30 से 35 करोड़, सितंबर में लगभग 45 करोड़, फिर अक्टूबर में 50 करोड़, उसके बाद नवंबर में 58 करोड़, और उसके बाद 60 करोड़। ये कुल मिलाकर 216 करोड़ लगभग वैक्सीन। और ये जब कह दिया, अब मैं आपके साथ दिसंबर के अंत में डिबेट में बैठूंगा जरूर, और ये प्रोसेस मेरा मानना है मार्च तक पूरा होगा, क्योंकि दिसंबर की वैक्सीन जाते जाते मार्च तक पूरा होगा। सब लोगों में श्रीवास्तव जी के पास जाना डाटा जरूरी है जी। हाँ, अभी वो साहब बोल रहे थे जो डॉक्टर, ये डाटा विवेक श्रीवास्तव जी के पास जाना जरूरी है। विवेक श्रीवास्तव जी, मुझे बताइए, मुझे एक बात का जवाब दीजिए। मैं आपके स्तर को मानता हूँ कि इस फेज में वैक्सीनेशन की कमी हुई, सरकार ने अपनी नीति में परिवर्तन भी किया हुआ है, लेकिन क्या कारण रहा कि हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, उनका 100% वैक्सीनेशन नहीं हो पाया? इसका कोई कारण बता दीजिए आप। क्या ये भ्रम के कारण नहीं हुआ? वली साहब के पास जाऊंगा, एक सवाल सुन लीजिए, बताइए विवेक श्रीवास्तव, क्यों नहीं हुआ डॉक्टर का, क्यों नहीं हुआ नर्सर का, क्यों नहीं हुआ सपोर्ट स्टाफ का? सर, अगर आप ये भ्रम फैलाना चाहते हैं कि सेकेंड वेव में मौत का कारण ऑपोजिशन है क्योंकि वैक्सीनेशन नहीं हुआ, तो ये झूठ लोग नहीं पचाएंगे आप। आज भी दिल्ली शहर में राहुल गांधी, उसका क्या जवाब दोगे? इसमें कितना टाइम पीरियड होता है यार? पी सही दो डोजेस के बीच में कितना टाइम पीरियड होना चाहिए? अरे अरे अरे, और दिल्ली के चाइना के मित्र, अरे चाइना के मित्र, आप कभी भारत की भी सोचा करो। के बीच में तीन तीन महीने, दो दो महीने, ढाई ढाई महीने वैक्सीन आपके पास नहीं है, क्योंकि आपने स्पुतनिक को वापस भेजा। मैंने अभी इन्होंने अभी भी जिन कंपनियों का नाम लिया है, जो उनके साथ एग्रीमेंट फाइनलाइज नहीं है, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने इनको जूते मारे हैं, तब इन्होंने आकर के टेलीविजन के ऊपर वहां पे प्रधानमंत्री ने क्लैरिफिकेशन दिया है। सुप्रीम कोर्ट हैज टेकन, उन्होंने जो आपका क्रिटिसिज्म किया है और आपसे जो मांगा है अपना एक्शन, क्योंकि आप एक्ट नहीं कर रहे हैं सर, आप एक्ट नहीं कर रहे हैं सर, किसी कारण से भी हुआ, चलो मैं तर्क के तौर पर मान लेता हूँ सुप्रीम कोर्ट के कारण हुआ, कम से कम इसके लिए तो सरकार को धन्यवाद दे दीजिए। विवेक श्रीवास्तव जी जो किया उसके लिए तो सरकार को धन्यवाद दे दीजिए। सर, इन्होंने कुछ नहीं किया है सर, सुप्रीम कोर्ट का जूता खा के टीवी के ऊपर आकर के मैं भी चार बातें बोल सकता हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि हो गया, अगर ये हो गया तब पूछेंगे और दिसंबर तक। जवाब देने दीजिए, मैं आगे आपके पास आऊंगा, डॉक्टर सुनील सिंह भी आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं। ये गलत बात है आपकी, आप जब मैं बीजेपी वालों से सवाल पूछता हूँ तो आप रोकते हैं मुझको। सबसे ज्यादा आप सवाल पूछते हैं और सबसे ज्यादा मेरी डिबेट में मुझसे ज्यादा आप आते हैं। अरे मेरी डिबेट में मुझसे ज्यादा आप आते हैं। आरपी सिंह जी जवाब दीजिए।
मेरे सवाल को पहले सुन लीजिए। दीपक दीपक मैं चाहता हूँ कृपा कर इनको आज से 15 दिन पहले, अरे हो गया यार भाई थोड़ा सा शांत हो जाइए। अरे हाथ जोड़ तो विवेक जी हाथ जोड़ तो बात कर लेना तो प्लीज। आज से 15 दिन पहले का हेल्थ मिनिस्ट्री का एक जो प्रेस बुलेटिन था मैं आपको भेज देता हूँ, पीआईबी की प्रेस रिलीज है वो भेज देता हूँ। उसमें बड़ा स्पष्ट कर बताया गया कब कब कितनी कितनी वैक्सीन देश में आएगी, कैसे कैसे लगेगी। हाँ ये अरे मैंने धोखा आपको क्या, अरे अरे जिनपिंग साहब के साथ फाइजर के साथ बाकी कंपनियों के साथ करार क्यों नहीं किया, 6 करोड़ अच्छा नहीं लगता आप सबके बीच चिल्लाते रहते हैं, आप सबके बीच चिल्लाते रहते हैं, प्लीज प्लीज आरपी सिंह की जवाब में चुप बैठा। तो मैं जो कह रहा था कि वैक्सीन का पूरा मामला आज से 15 दिन पहले हेल्थ मिनिस्ट्री के प्रवक्ताओं ने आकर पूरा बताया कि 216 करोड़ वैक्सीन कब कब कौन कौन सी कंपनियों के माध्यम से, पूरा चार्ट लो आपके पास ही, दीपक आया होगा इनको जरूर भेज दूंगा, तो मैं इनका नंबर भेज देना मैं इनको भेज दूंगा ताकि, और तब 15 दिन पहले की पीआईबी की रिपोर्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट का रोना रो रहे हैं खाम खाम में। दूसरी बात ये जो बार बार कहते हैं ना फाइजर के साथ करना मान, अरे भैया फाइजर ने तो ऑस्ट्रेलिया को कहा कि हम जुलाई 2022 तक वैक्सीन नहीं दे सकते आपको, उनको भी कह दिया उन्होंने वैक्सीन है नहीं। अरे टोका नहीं, अरे टोका आपको क्या, मैंने आपको ठोका क्या, आपने 10 मिनट ठोकते, अरे अरे सुनिए दोस्त यहाँ पर, अरे हाँ स्पुटनिक चलिए बोल लीजिए आप बोल लीजिए, मैं चुप रहता हूँ। आपने आपके 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 अरे आप पंजाब से पूछ रहे हो जिनको आरपी सिंह वर्सेस विवेक की बात तो नहीं हो सकता, मेरे पास बाकी गेस्ट पैनल भी है, मेरे पास बाकी गेस्ट पैनल भी है। सबसे पहले चलूंगा नागेंद्र पांडे, मेरे एक दर्शक दिल्ली से जुड़े हैं। नागेंद्र बताइए क्या कहेंगे, क्यों हुई भ्रम की राजनीति वैक्सीन पर और अब क्या करना चाहिए देश को? दीपक जी मुझे यही कहना है कि इस समय मैं भी डिबेट देख रहा था, विपक्ष से ऐसा लग रहा है अपना संतुलन खो चुका है। प्रधानमंत्री जी किसी एक पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। यह कहकर भ्रम फैलाना कि यह टीका बीजेपी का है, श्रीमान अखिलेश यादव जी को देश से इस समय माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि जब कोई नेता बोलता है तो कई लोग उनको फॉलो करते हैं और समाज के अंदर जब र्यूमर फैलता है तो बिल्कुल आग की तरह फैलता है। आपने देखा होगा इस समय बहुत सारे लोग इंजेक्शन को देख करके नदी में कूद रहे हैं, भाग रहे हैं घरों से, फिर किसी धर्म को उकसाया जा रहा है कि तुम लगवा लोगे तो तुम ऐसा हो जाएगा, नपुंसक हो जाओगे, मर जाओगे। ये सब चीज़ें ठीक नहीं है हमारे देश के लिए। महामारी के समय विपक्षी पार्टियों को सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग करना चाहिए, लेकिन विपक्ष मिथ्या भ्रम फैला रहा है, ऐसा क्यों है? ठीक है, अनुराग भदौरिया जी के सवाल है, अनुराग भदौरिया जी आपके पास चलता हूँ। चलिए माफी मांगना छोड़ दीजिए अनुराग भदौरिया जी, आज क्या अखिलेश यादव जी ने अपनी गलती सुधार ली? आप मानते हैं गलती हो गई थी, सुधार ली उन्होंने? अनुराग भदौरिया जी मुझे देखिए, मुझे एक बात अभी तक समझ में नहीं आई कि एक बार भी कोई बात मानने को बोलने को तैयार नहीं है। जो असली लोग जिन्होंने भ्रम फैलाया देश के अंदर में, बाबा रामदेव कहते थे कि ये तो हम लगाएंगे नहीं, इसका बाप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता वैक्सीन का, तो क्या प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री जी ने उनसे सवाल पूछा कभी? क्या किसी चैनल ने उनसे सवाल पूछा कि कहते कि वैक्सीन कोरोना का बाप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता? उसके बाद उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने डॉक्टर्स को लेके क्या क्या नहीं बोला? क्या सवाल किसी ने पूछा कि ताली थाली बजाने से यहाँ कोरोना भगा रहे थे ब्रह्मांड में, ये कोरोना भाग जाएगा? गोबर लगाने से कोरोना भगवा रहे थे? भाभी जी के पापड़ खाने से कोरोना भगवा रहे थे? क्या उनके बारे में सवाल पूछा गया? क्या सवाल पूछा गया कि यहाँ पे जिस तरह से उन्होंने आपने देखा होगा कैसे, क्या आधार पूनावाला ने बोला था कि कोवैक्सीन पानी है, तो क्या किसी ने सवाल पूछा कोवैक्सीन पानी है, क्या इसके ऊपर सवाल हुआ, क्या किसी ने बात की इसके ऊपर? में आरपी सिंह जी आप ज्यादा टाइम मत कीजिए, मैं जवाब आ रहा हूँ, आपको जवाब देना पड़ेगा। बाबा रामदेव को खंडन कीजिए बैठे यहाँ पे, अगर हिम्मत है तो खंडन कीजिए, हिम्मत है तो सवाल पूछिए। प्रधानमंत्री मंत्री पूछे, सरकार पूछे, बाबा रामदेव सवाल नहीं पूछते उन्होंने कभी नहीं कहा वैक्सीन मत लगवाइए, उन्होंने हमेशा आप भी अच्छी तरह जानते हैं डॉक्टर से लेके एलोपैथिक का कितना मजाक उड़ाया, किसी को बताने की और बोलने की जरूरत नहीं है। आप भी जानते हैं और भाभी जी के पापड़ कौन खा रहा था और आधार कोविशील्ड जो पानी है, तो उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई हुई कि उन्होंने पानी बता दिया?
बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। अनुराग जी माफी के साथ, आरपी सिंह जी माफी के साथ, ब्रेक करिए, ग्राफिक डालिए। सरकार ने वैक्सीन की कीमतें तय की है, वो लोग जो प्राइवेट हॉस्पिटल में लगवाएंगे उसके लिए क्या कीमतें हैं सरकार ने बताई हैं। आइए देखते हैं सिलसिलेवार ढंग से। सरकार ने कल कहा था कि 150 से ज्यादा सर्विस चार्ज प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं ले सकते। अब प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन की कीमत तय कर दी गई है, अधिकतम दर क्या होगी ये तय कर दी गई है। निजी अस्पताल में कोवैक्सीन 1410, स्पुतनिक भी 1145 रुपए प्रति डोज। निजी अस्पताल में कोविशील्ड 780 रुपए प्रति डोज। प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन की कीमत तय हो गई है, इससे ज्यादा अस्पताल नहीं ले सकते। ये उन लोगों के लिए है जो सरकारी लाइनों में नहीं लगना चाहते, अपने डॉक्टर के पास, अपने नर्सिंग होम में जाकर या अपने अस्पताल में जाकर वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, उनके लिए सरकार ने ये सुविधा दी है। अनुराग भदौरिया, आपने अपनी बात पूरी की थी, सीधे मैं डॉक्टर एम्बली के पास चलता हूँ। डॉक्टर एम्बली, मुझे ये नहीं समझ आया, डॉक्टर्स ने क्यों नहीं लगवाई, फ्रंटलाइन वर्कर्स ने क्यों नहीं लगवाई? देखिए, सबको वैक्सीन उपलब्ध है, ऐसा नहीं है, और वैक्सीन लग रही है। मैं आप सब जितने गणमान्य व्यक्ति हैं सबसे इस आशा के साथ इस प्रोग्राम से अपनी बात कहूंगा कि हम सब एक होके इस समय कोरोना से लड़ें, अच्छी तरह उसको पछाड़ें। और प्रधानमंत्री जी ने कल दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट कही हैं, दिल से वो मुझे कहने दीजिए। एक तो उन्होंने यंग लोगों का आह्वान किया है कि वो आएं और लोगों में जितनी भी भ्रांतियां भ्रम फैले हैं उनको दूर करें, और दूसरी बात जो मैं पढ़ रहा हूं उन्होंने कही है, yes, he also said vaccine supply will be increased significantly in the country in the coming days. That means उन्होंने इस बात का आभास खुद भी किया है कि वैक्सीन कम है, जितनी रिक्वायरमेंट है। तो इसके बाद कुछ कहने की मैं नहीं समझता कि गुंजाइश रहती है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग सब इस समय मिलजुल कर वैक्सीन के कार्यक्रम को कामयाब बनाए, इसमें हमारे और आपके बच्चे, हमारे और आपकी फैमिली सब शामिल है और हम सब उसके भागीदार बने, यही मेरा संदेश है, यही मेरी कामना है। थैंक यू वेरी मच। नहीं तो वैक्सीन ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वाली। सीधे डॉक्टर सुनील सिंह के जी के पास चलता हूँ। सुनील सिंह जी, आप विवेक श्रीवास्तव जी की बात का जवाब देना चाहते हैं। उनका कह रहा है वैक्सीन तो है नहीं, और सुप्रीम कोर्ट नहीं कहता तो प्रधानमंत्री ये घोषणा ही नहीं करते, वो तो इसी तर्क पर लड़े हुए हैं। देखिए विवेक जी से मेरा एक ही आग्रह होगा कि वैक्सीनेशन और टीकाकरण में साधक बने, बाधक नहीं बने। और गलत देखिए, जैसे कि मान लीजिए कभी टेम्पररी अगर शॉर्टेज हुई फिर वो रिफिल हो गया तो बात खत्म हो गई। प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि हमने टीके का इतनी इतनी ऑर्डर आया, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की आई है, 216 करोड़ डोज दिसंबर तक आने वाले हैं, आ रहे हैं, ऑर्डर पड़े हैं, नई नई कंपनियां आ रही हैं। अब इसमें ये पास की बात विवेक जी ने कहा कि आप इतने शेड्यूल क्यों बढ़ा दिए, तो विवेक जी सारा ज्ञान आप ही को होगा क्या? एक नेटवर्क कंपनी, एक नेटवर्क होता है ग्रुप, जो वैक्सीनेशन के लिए टास्क फोर्स के लिए टेक्निकल ग्रुप होता है, जो बाकी लोगों को। मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूं, मुझे एक सेकंड दीजिए, मेरा सीधा सवाल मैं आपको बताता हूं। बोलने दीजिए, मैंने नौ क्रमेशन, सुनिए सर, मैं 10 सेकंड लूंगा, 10 सेकंड बोलने दीजिए, आप आंसर करिए। नहीं नहीं, आप सर प्लीज जस्ट 10 सेकंड बोलने दीजिए, क्योंकि आप, मैंने आपने तो डिक्लेअर ही कर दिया कि कोई शॉर्टेज नहीं है वैक्सीन की। कंप्लेन खत्म करने दीजिए ना विवेक जी उनको, लेट मी खत्म करने दीजिए, लेट मी कंप्लीट माय सेंटेंस। नहीं नहीं, जब आपने डिक्लेअर कर दिया कि वैक्सीन की शॉर्टेज नहीं है, लेट मी कंप्लेन माय, मैं क्या बोलूं आपको भाई? भाई आरपी सिंह साहब ने आपको, अरे आरपी सिंह साहब ने आपको डाटा सही बता दिया। अरे भाई सुनिए ना, सुनिए या काम करिए ना, फिर आप उत्तर दीजिए। सुनिए नहीं, आप उत्तर दीजिए। अरे भैया दीपक जी बोलने दे हमें, दीपक जी बोलने दे हमें। अब आप डरते क्यों हैं सारे सवालों से? अरे भाई आप बोलने दे, फिर सवाल का जवाब देंगे। अरे भाई डॉक्टर सुनील जी बहुत बैठे हैं, अन्याय होगा उनके साथ कि आप उनके बीच में बोले। विवेक जी नहीं, सिर्फ डॉक्टर सुनील सिंह की आवाज, प्लीज कंक्लूड कीजिए अपनी बात। हम विवेक जी के सारे बातों का जवाब देंगे, पहले बात कंप्लीट कर लेने दें। देखिए वैक्सीनेशन की कमी के बारे में जो कहा आरपी सिंह साहब ने कि स्टेट के पास कितने सरप्लस डोज पड़े हुए हैं, और जब केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि हम इतने इतने ऑर्डर दिए और कमी नहीं होगी, तो किसी के शब्द पर विश्वास करनी चाहिए और वैक्सीनेशन लेने का लाभुकों की संख्या बढ़ाए। आज भी मैं बिहार में कह रहा हूं कि वैक्सीनेशन के लिए हमने डोर टू डोर प्रोग्राम करने का शुरू किया है, 24/7 वैक्सीनेशन सेंटर कराए हैं और वैक्सीनेशन स्मूथली हो रहा है। कभी कदाल अगर 10-15-20 मिनट अगर लाइन में लगने हुए तो हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है, लाभुकों की संख्या बढ़ाइए। दीपक जी से, विवेक जी से आग्रह है कि टीकाकरण कार्यक्रम में
साधक बने बाधक नहीं। अब उनके प्रश्न बताए बैटिंग करिए, दीपक जी आपको बैटिंग करवा रहे हैं, मुझे लेकिन जब तक राजनीति देश में है और जब तक विपक्षी पार्टियां अपमान के चले, राजनीति कम नहीं होगी देश में, राजनीति का फुल डोज लेते हैं नेता लोग, और खासकर विवेक की बात तो इसलिए आप उसे उम्मीद ही नहीं कर सकते कि वो आलोचना ना करें, वो कह दे कि सब वैक्सीन लगवा लें, सरकार के कहे अनुसार लगवा लें। कई सारे मुद्दे हैं, अनुराग भाई भी हमारे साथ जुड़े हैं, मौलाना साहब भी जुड़े हुए हैं, आगे के पहलुओं पर जो इसके धर्म गुरुओं के जो पहलू है, सुनील सिंह साहब ने कहा था कि किसी धर्म विशेष को चिन्हित नहीं करना चाहिए, मैं करना भी नहीं चाहता, लेकिन हकीकत में ग्राउंड से ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं पूरे देश से, क्या है उसकी हकीकत जानेंगे ब्रेक के बाद।